ईयूसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य हंसराज अकेला अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। उनके द्वारा अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग के अधिकारियों सहित निर्माण श्रमिकों के साथ बैठक, जगजीतपुर में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण एवं टीयूसीसी के सम्मेलन की बात कही गई, जिसके प्रथम दिवस पर भगवानपुर ब्लॉक के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिससे सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों को जागरूक करने का कार्य किया गया। तो वहीं दूसरे दिन आज दिनांक 19 अक्टूबर को जगजीतपुर में बन रहे नव निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में श्रम विभाग के अधिकारियों सहित निरीक्षण पर पहुंचे। वहां पर पहुंचे श्रमिकों को उनके हित में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही श्रम विभाग से आए समस्त अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु निर्माण श्रमिकों का शोषण किया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। जिसमें हमारे टीयूसीसी के प्रभारी उत्तराखंड के श्री नवीन चंद जी कुरी, उन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया। उस कार्यक्रम में हमारे श्रम विभाग के LCLU भी उपस्थित थे। श्रमिकों को जागरूक किया गया, उनकी योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई, सरकार द्वारा जो राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके विषय में उनको जागरूक किया गया। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं श्रमिकों को अधिक से अधिक उनको उनकी योजनाओं के विषय में जानकारी हो, उनका कहीं अहित ना हो, उनका कहीं शोषण ना हो, ये भी देखना हमारे संगठन का हमारा एक परम कर्तव्य है। कल जो हमारा विजिट था, एक फार्मा कंपनी है उसकी एक बिल्डिंग बन रही थी जो कार्यदायी संस्था है, वहाँ जाकर हमने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ जो कार्यक्रम हमारा भ्रमण का था उस कार्यक्रम के अंतर्गत भ्रमण किया और देखा वहाँ कोई भी मिनिमम वेज श्रमिकों को नहीं मिल रहा था, कोई भी सामाजिक सुरक्षा उनको नहीं मिल रही थी। किसी भी श्रमिक का, जो अधिकतर प्रवासी लोग थे, उनका कार्ड भी BOC में उनका कार्ड भी रजिस्टर्ड नहीं था। राजकीय मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान हंसराज अकेला ने श्रमिकों को सुरक्षा के साथ कार्य करने के लिए जागरूक किया। वहीं दूसरी ओर निरीक्षण पर पहुंचे श्रम विभाग की ओर से कर्मकार कल्याण बोर्ड देहरादून के सहायक श्रमायुक्त धर्मराज, रुड़की हरिद्वार से श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी भट्ट ने श्रमिकों के हितार्थ हेतु योजनाओं के बारे में बताया। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नवीन चंद्र कुरील ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित योजना के बारे में अक्षरवार बताते हुए श्रमिकों को जागरूक किया। वहीं भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण संघ गढ़वाल मंडल अध्यक्ष पीयूष चौहान के द्वारा सभी श्रमिकों के श्रम विभाग के कार्ड बनाने हेतु शिविर के आयोजन की बात कही गयी।